3 runs for the loss of 8 wickets. Four overs gone, score is 33 for 8. Can they get another 12 to 15 runs? The attack, another legendary bowler, plenty of experience. The left arm starts off with a short delivery. It's a left arm off break bowler, which goes leg spin to a right handed batsman, and very smart move here from Lalla Yadav to bring him on. And another dot ball. The batsman chasing the ball, is cutting it away from the right-hander. This is wonderful bowling. Replay. The match will continue. It's a dot ball. And a swing and a miss once again. Is looking to play across the line. Still not been able to read Sher Bahadur Yadav. He's a fine bowler. Plays leather ball cricket. This time converts it into a low full toss. And should just be a single. This is fine over here in progress. Just one run of 4 deliveries. Big swing and a miss once again. Again, the same mistake. They all are looking to play across the line. It's very difficult. It's a left arm off break bowler. Well, that's up in the air and should be a straightforward catch. Yes. Wicket to finish the innings, and a wonderful bowling performance being displayed here. The final score will be just 34 runs. Just one run from that last over and a wicket. Great over from the big man, Sher Bahadur Yadav.
35 will be the target. Just 35 to chase for Rohit cricketers Vasco in 5 overs. DJ. State to come for a toss. MLT and MLT and Navelim Blasters kindly come for a toss. गुरशन गेंदबाजी करते हुए सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सिंगल एक रन और लल्ला यादव आ चुके ओपनिंग बल्लेबाजी में लल्ला यादव के साथ शेर बहादुर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और गुरशंत बल्लेबाजी शेर बहादुर स्ट्राइक एंड पर अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला ढीले हाथों से इसलिए बड़ा अपर फील्डर गेंद को फील्ड करते संकेत आज गुमटेश्वर की बल्लेबाजी नहीं हुई प्रतीक वो बल्लेबाजी जो पिछले दो मैचों में उन्होंने की थी आज वो बल्लेबाजी नहीं हुई मैदान पर जी बिल्कुल 86 रन 87 का टारगेट था शिव मराठा के खिलाफ
जो बल्लेबाजी होनी चाहिए थी नहीं हुई आज। ओवर पिच गेंद, बेहतरीन शॉट इस बार कवर पर, उतनी बेहतरीन फील्डिंग थ्रो किया था लेकिन थ्रो थोड़ा सा दूर निकली गेंद, जब तक इनको फील्ड करते रनआउट का खतरा और इसी के साथ आउट। पहला विकेट रनआउट के रूप में, लल्ला यादव बिल्कुल अपने आप पर थोड़े से पछतावा कर रहे हैं क्योंकि जो रन नहीं था वो रन लेने के लिए निकले थे दोनों बल्लेबाज और कीमती विकेट शेर बहादुर रनआउट होकर वापस। रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। टारगेट मैच को जीतने का 35 रन का बहुत ही बड़ा आयोजन शिव छत्रपति चषक शिव मराठा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की ओर से, बहुत ही बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का और एक सुंदर मैदान, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैदान आप हमेशा देखते हैं उसी तरह का मैदान, ये मैदान ग्रास है, पूरे मैदान पर पूरे आउटफील्ड पर ग्रास है। अच्छा विकेट है, पिच क्यूरेटर ने काफ़ी मेहनत करके जो हमारे प्रकाश नावेलकर, बिम्प सिंह, वनमूर्ति धर्मा, माशेलकर, कुस्ता गावस और श्याम सुंदर नाइक जो हमारे पिच क्यूरेटर है, बहुत ही अच्छा मैदान यासिन सिंगनगुट्टी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए 35 रन का जवाब देना पड़ेगा मैदान पर 35 रन। सुंदर शॉट बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन के साथ से रनों का खाता शुरू करते हुए यासिन सिंगनगुट्टी खुद का अपना व्यक्तिगत आउट होकर वापस, शेर बहादुर रनआउट होकर आज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम ने गेंदबाजी शानदार की इस मैच में। इस बार बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली गली की तरफ, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक रन दूसरे के लिए निकले और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन साइकर एंड पर दो रन पूरे किए लल्ला यादव ने। आने वाला अगला मैच नावेलिम ब्लास्टर्स और एमएलटी साकड़ी, इन दो टीमों के बीच में होगा। दोनों कैप्टन जल्द से जल्द कॉमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क करें। एमएलटी साकड़ी और नावेलिम ब्लास्टर्स, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच खेला जाएगा। गुरुशंत उर्फ मेंडिस ढीले हाथों से खेला बढ़िया क्रिकेट, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, गली पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन पूरा किया। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर समाप्ति के बाद 6 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट पर 35 रन का मैच को जीतने के लिए टारगेट है। पहला दिन आज का टूर्नामेंट का, 40 टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इतवार को फाइनल का मैच होगा लेकिन उससे बहुत ही पहले म्युनिसिपैलिटी और पंचायत टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। हर दिन जो कि 10 टीम खेलेगी इस प्रतियोगिता में, शिव छत्रपति चषक शिव मराठा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब जिनके ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट। और अगले मैच है संदेश ठाकुर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है एमएलटी साखड़ी क्रिकेट टीम। सदगिरी नाइक और विराज गवंडे, विराज बॉलिंग में परिवर्तन। अरे विराज मरे तो अक्षय फिट जा, फिट हुआ। अक्षय जोगलेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर थोड़े से परेशान थे पिछले मैच में फील्डिंग करते हुए, अब मात्र ठीक ठाक इस मैच में। बढ़िया शॉट और बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, कैच लगभग था एक हाथ से, गेंद को रोका जरूर था लेकिन प्रयास कैच का नहीं हुआ था, थोड़ी सी गेंद निकल रही थी दाहिने और, लेकिन ये पकड़ना चाहिए था, मौका रहा लल्ला यादव को। कम टोटल का मैच है तो फील्डिंग बहुत ही बढ़िया करनी पड़ेगी।
अच्छा क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट, ढीले हाथों से खेला लल्ला यादव। 35 का टारगेट है, शेर बहादुर लौट चुके हैं, मालूम है लल्ला यादव को। एक रन जुड़ गया टीम में, स्कोर के खाते में 7 पर पहुंचा, एक रन के साथ से टोटल स्कोर 1 विकेट पर। आने वाला मुकाबला टॉस हो चुका है, 5 ओवर का मैच और पहले बल्लेबाजी कर रही है। सुंदर शॉट कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, डीप लॉन्ग ऑन पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन, सिंगल डबल बना रही है, कोई जल्दबाजी नहीं मैदान पर दिखाई दे रही है। अक्षय जोगलेकर गेंदबाजी करते हुए, सामने राम उर्फ लल्ला यादव उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए, खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। थोड़े से अपने कुछ रन अप पे चुके लल्ला यादव, स्टांस बदल चुके थे, रिवर्स की कोशिश हमेशा, पैडल स्लिप स्कूप, ये अलग अलग शॉट जो कि अपने बल्लेबाजी में बैठक शॉट वो भी खेलते हैं बहुत बेहतरीन। अच्छा शॉट, फिर से सिंगल, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक पर मतीन खान, शेर बहादुर आज रन आउट होकर काफी सस्ते में, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी शेर बहादुर ने। फुल टॉस गेंद, इस बार लॉफ्ट किया, बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सिमारे का से बाहर 6 रन के लिए। अच्छी गेंद, इस बार सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में। रोहित क्रिकेट, वास्को क्रिकेट टीम 35 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 16 रन 1 विकेट पर, 16 लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंद पर लाइन पर नहीं थे बिल्कुल, गेंद बल्ले से दूर थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफसाइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डिंग के लिए तैनात दिखाई दे रहे हैं आज जो मैदान पर गुरुचंद दिखाई दे रहे हैं। एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर बाउंड्री लाइन पर। बड़ा मैदान है, लंबी बाउंड्री है, इस मैदान पर आसान बात नहीं होती छक्का लगाना इस मैदान पर, क्योंकि लंबी बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री है इस मैदान पर, बहुत ही बेहतरीन मैदान नाविलिम पंचायत ग्राउंड। बढ़िया शॉट, इस बार कवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर अगल बगल में, एक रन दूसरे के लिए पलटे, देखना होगा थ्रो, नॉन स्ट्राइकर इन पर, सुंदर थ्रो, लेकिन तब तक अपने क्रीज में लल्ला यादव, बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में और जुड़ते हुए 2 रन के साथ से 18 पर पहुंचा। हमारे साथ अर्जुन, बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग उन्हीं के साथ जो कि बैठे हुए, स्कोरिंग की पूरी और जानकारी प्रथमेश, हमारे 2 कैमरामैन ओमकार और शुभम, और उनके टीम के टीम मैनेजर गौरव सावंत, टेनिस क्रिकेट जो कि पूरी टीम इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही शानदार जो कि प्रसारण हो रहा है, हर एक कैच को रिप्ले में दिखाई दे रहे, हर एक विकेट को, बेहतरीन फील्डिंग को। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, इस बार लल्ला यादव एक रन के लिए निकले, स्ट्राइक पर पहुंचे लल्ला यादव, मतीन खान एक रन के साथ से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का,
साउंड सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया इस टूर्नामेंट के साथ, गुरु कृपा साउंड्स, मीनानाथ केरकर वो भी हमारे बगल में जुड़ चुके हैं, और प्रतीक आमोणकर अंग्रेजी के एक बेहतरीन कॉमेंट्री, और माया अशोक नायक आप सभी के साथ इस मैदान पर। सुंदर शॉट, हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर सिंगल के लिए निकले, हाना हाना कर रहे थे दूसरे रन के लिए, लेकिन जैसे देखा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को उठा रहे फील्डर, गेंद को फील्ड कर रहे हैं और अपने बढ़ते कदमों को वापस रोका दोनों बल्लेबाजों ने। टारगेट 5 ओवर में 35 रन प्रतीक उतना बड़ा नहीं है, 7 रन के साथ से रन बनाने पड़ेंगे। आज गुमटेश्वर बल्लेबाजी में खास करके विराज आउट हुए बहुत सस्ते में, उसके बाद नरेश असुरंडेकर बल्लेबाजी एक के बाद एक के वापस लौटे, कट के बहुत बेहतरीन शॉट इस बार, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। और 4 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में, 4 रन के साथ से बहुत ही बेहतरीन शॉट, आप जरूर इसे शॉट यूट्यूब पर देख सकते हैं कि क्या बैकफुट पर निकले, बहुत ही सुंदर शॉट इस बार स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री पर, 4 बहुमूल्य रन स्कोर में, और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर पहुंचा। 11 रन चाहिए अभी भी मैच में, और ये दो बल्लेबाज बिल्कुल आराम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर पिच गेंद इस बार जोरदार अपील अंपायर की, और हाउस साइड अंपायर लेकिन उस अपील को नकारते हुए और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ, और एक ओवर का यानी टोटल खेल होता हुआ समाप्त, 3 ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, स्कोर हो चुका है 24 लॉस ऑफ 1 विकेट, 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में 11 रन मैच को जीतने के लिए, 2 ओवर 12 गेंदों का खेल 11 रन चाहिए। आने वाला मुकाबला लावेलिम ब्लास्टर्स और एमएलटी साकड़ी, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच, नावेलिम ब्लास्टर्स और एमएलटी साकड़ी, ये दो टीम आमने सामने होंगी मैदान पर। बॉलिंग में और एक परिवर्तन, कट किया इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ, मिसफील्डिंग गली की तरफ, वाइडेस गली पर गुरुशंत आते बैकअप कर रहे थे, कवर से गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 25 पर पहुंचा 1 रन के साथ से, सिंगल के साथ 10 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। वरद दाबोलकर गेंदबाजी करेंगे सामने से कॉलेज की ओर से, कॉलेज एंड की ओर से वरद दाबोलकर, मतिन खान स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर लल्ला यादव एक सिंगल डबल सामने, बल्लेबाज को ज्यादा मौका दे रहे मतिन खान को बल्लेबाजी में, अच्छा क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट, अपने फॉलो थ्रू में पैरों से गेंद को रोका वरद दाबोलकर ने, और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, रन की कोई संभावना मौजूद नहीं थी। खेल चौथे ओवर का चलता हुआ मैच का, इस ओवर के बाद अंतिम ओवर, और देखना होगा अगर 1-2 विकेट और जल्द लेने में सफल रही गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम तो यह मैच हो सकता है आखिरी गेंद पर। ऑफ टर्म पर यह गेंद कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, सामने से अगर एक और बड़ा शॉट लगा तो ये मैच थोड़ा सा और आसान हो जाएगा रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन काफी मुश्किल है, क्रिकेट में पहले बाकी करना काफी गलत बात होगी। अच्छा शॉट इस बार बहुत ही बेहतरीन, ओ शानदार फील्डिंग गुरुशंत, जो 4 रन के लिए गेंद निकल रही थी 2 रन कम से कम बचाए अपने टीम के लिए, और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, बहुत ही बढ़िया। लेकर 8 रन अभी भी चाहिए 8 गेंदों का खेल, बड़ा शॉट इस बार, गेंद सीधे हाथों में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के चली गई, विकेट नंबर 2 रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम को लगता हुआ, आइन मौके पर 2 धक्का। डीजे
अर्जुन टोटल स्कोर हो चुका है 20 मैच रहा था जो कि केकेआर क्रिकेट टीम का बहुत ही बढ़िया मुकाबला यस डेफिनेटली What a match it was KKR. yesterday. KKR taking on Mumbai Indians. They needed just 22 to get in 18 deliveries. And all of a sudden, bilkul, bilkul, MI produced a befitting win. फिलहाल वरद दाबोलकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं हेमंत छेड़गांवकर नॉर्थ साइकरेन पर राम उर्पल लल्ला यादव स्ट्राइक पर अपटम से बाहर गेंद वाइड बॉल ऐसे वक्त ऐसे समय में ये रन काफी महंगे साबित हो गए एक रन भी मिल गया एक गेंद भी ज्यादा मिल गई रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम को सेवन टू गेट ऑफ सेवन डिलीवरीज नाउ हैज क्लाइंड अप ही हैज क्लाइंड अप अननेसेसरी शॉट वंस अगेन एट अ क्रूशियल ब्रेक थ्रू व्हाई वुड यू डू दैट स्किपर लल्ला यादव was one of the most stable batsmen he needed to stay there till the end play six ball pehle baat ka baat karna kafi galat baat hogi kharab cricket main to kahunga संयम खो बैठे रिवर्स का शॉट खेलने के लिए निकले गैप जरूर था लेकिन ये समय नहीं था उस शॉट का मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल खराब क्रिकेट सिंगल डबल के साथ मैच चल रहा था आराम के साथ बल्लेबाजी हो रही थी एक कीमती विकेट गुमटेश्वर कमबैक कर रहे हैं मैच में और अगर एक धक्का सामने देने में सफल रहे तो लगभग ये मुकाबला आखिरी गेंद पर चला जाएगा यस डेफिनेटली यू गॉट टू अप्रिशिएट द एफर्ट टेकन बाय गुमटेश्वर दे हैवंट गिवन अप येट What a game of cricket this is turning out to be. We can have a nail-biting finish. Seven runs still to get from six deliveries. It is just a matter of one strike, one big hit for the batting side, Rohit. Rohit cricketers, Vasco. And Naresh has been given the charge. Big responsibility on his shoulders of defending seven runs. Off the last over, Hemant Shedgaonkar, the man on strike. He's a pinch hitter. Oh, now the call is for two. Will they get there? No, they don't. That should have been a double. That definitely should have been a couple of runs. But as we saw, Hemant is slightly slow as far as running between the wickets is concerned. But he's very much capable of striking big sixes. Five ball six to get. Nihal is the man on strike. Oh, that's up in the air and oh, that's it. It's a six. What should have been a straightforward catch? The captain himself has done it. Game over. Rohit he was standing 4 to 5 yards in front of the boundary. He had to go back to catch that one and just couldn't stop the momentum. And it's a game over. It's game over. What a game of cricket we were having. Hard luck, Gumteshwar Margao, but you've really won all our hearts. You played wonderful cricket. Requesting everyone to please put your hands together for the way Gumteshwar Margao has played outstanding cricket. And congratulations, Rohit Sports, Rohit Cricketers Vasco. For reaching the quarter finals of the tournament.